पिछले कल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया और बजट में निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्हें विशेष तौर से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश को पिछली बार हुए बरसात में नुकसान के लिए केंद्र सरकार अब की बार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विभिन्न मदों से मदद करेगी। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की बात भी कही और जो डैमेजेस हुए हैं उसको रिस्टोर करने के लिए उन्होंने अपनी बात कही और जिसका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, निर्मला सीतारमण जी का भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के खेद है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का हम बयान देख रहे थे और हिमाचल के ही नहीं जो कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला करने जा रहे हैं ये मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके माध्यम से एक संदेश वो देने जा रहे हैं और वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने इस बजट में उनके प्रदेश के हितों की रक्षा नहीं किया जबकि सभी प्रदेशों के लिए बजट में बहुत सारी मदद हुई है और हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए भी मदद चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फिर से शुरू होना इसके माध्यम से बहुत बड़ी मदद होगी चाहे वो 1,50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जो 50 साल के लिए बिना ब्याज के जो बजट का प्रावधान किया जाता है जिसका हिस्सा हिमाचल को भी मिलेगा एक बहुत बड़ी मदद होगी और अन्य योजना जिसको शुरू किया उससे हिमाचल प्रदेश को मदद होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ साथ में जो दूसरे हमारे विशेष तौर से हिमाचल के हितों के लिए हम कह सकते हैं जहां प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने की बात कही गई है उसको हम जारी रखेंगे। इन तमाम मुद्दों को अगर हम देखें तो निश्चित रूप से हिमाचल के हितों के लिए बहुत सारी चीजें इस बजट में हैं लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के नेता इस बात के लिए आमदा हुए पड़े हैं और 27 तारीख को दिल्ली में जो बैठक होने वाली है उसका बहिष्कार करने का फैसला कर रहे हैं। मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति अपनी जगह अलग होनी चाहिए और विकास के लिए हमको अलग सोच के साथ काम करने की आवश्यकता है। इस बजट में हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए बहुत कुछ है और मुख्यमंत्री का इस बैठक का बहिष्कार करने का मतलब है हिमाचल के हितों को जहां रखना है उचित प्लेटफॉर्म पर वहां जाकर के अगर नीति आयोग की बैठक में वो पहुंचेंगे तो वो वित्त मंत्री जी से भी बात कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री जी से भी बात कर सकते हैं और हिमाचल के हितों को और बेहतर ढंग से रख करके हिमाचल के लिए और मदद ला सकते हैं। लेकिन सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से इस प्रकार से ये फैसला करना बिल्कुल उचित नहीं है, मैं इसकी निंदा करता हूं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश जो केंद्र की मदद के बिना नहीं चल सकता है, विकास कार्य नहीं हो सकते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को पुनः विचार करना चाहिए और निश्चित रूप से उनको 27 तारीख को नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेना चाहिए ताकि हिमाचल के हितों के बारे में अपनी बात वो रख सके। मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भी धन्यवाद करता हूं। हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए बहुत कुछ आपने पहले भी दिया है और बहुत कुछ अभी भी दिया है। पिछली बार भी त्रासदी के समय नुकसान हुआ तो 1,800 करोड़ रुपए आपने दिया है, केंद्र सरकार ने दिया है और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और सभी मंत्री सभी कांग्रेस के नेता बार बार यही कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला। मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सही मायने में तो बात यह है जो हिमाचल प्रदेश में जो केंद्र सरकार से जो पैसा मिला है वह पात्र व्यक्ति तक अभी तक पहुंचा नहीं। मुख्यमंत्री को उस काम को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि प्रभावित परिवारों को मदद हो सके लेकिन इन सारी चीजों से हट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मैं समझता हूं ये वक्त नहीं है और ये विषय भी नहीं है। एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जाए और नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लें। हिमाचल के लिए कुछ और मांगना है वो भी मांगिए लेकिन इससे पहले हिमाचल प्रदेश के लिए जो आदरणीय मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है, निर्मला सीतारमण जी ने एज फाइनेंस मिनिस्टर जो बहुत कुछ दिया है उसके लिए उनको धन्यवाद करना चाहिए।